नमस्कार दोस्तों, आयुष्मान खुराना ने यूपी में शुरू की ड्रीम गर्ल की शूटिंग, जो कि आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने मथुरा में अपनी आगामी फिल्म ड्रीम गर्ल की शूटिंग शुरू कर दी है। आयुष्मान ने रविवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज साझा की थी, जिसमें उन्होंने यहाँ गोकुल धाम की कुछ संतों की तस्वीरें साझा की। इसके अलावा उन्होंने मथुरा की गलियारों में घूमते हुए एक वीडियो भी जारी किया था। फिल्म का पहला पोस्टर जारी हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आयुष्मान खुराना चूड़ियां और साड़ी पहने स्कूटर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। ड्रीम गर्ल में नुसरत भरूचा उनके साथ दिखाई देंगी। दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं। आगामी कॉमेडी फिल्म का निर्देशन शांडिल्य ने किया है और ये बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले एकता कपूर और शोभा कपूर द्वारा सह निर्मित होगी। फिल्म बधाइयों के बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार करने पर हाल ही में आयुष्मान खुराना ने कहा था कि इससे मुझे काफी विश्वास मिला है कि मेरा स्क्रिप्ट चुनने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। मैंने हमेशा खुद से फैसला लिया है और अपने विश्वास पर स्क्रिप्ट को चुना है। फिल्म की स्क्रिप्ट चुनने के मामले में मेरा विश्वास बड़ा ही है। बधाइयों में आयुष्मान खुराना ने एक ऐसी बालिक बेटी की किरदार निभाया था जिसकी माँ गर्भवती है और वह इस दौरान समाज से निपटने की दुविधा से गुजरता है। तो इस फिल्म में जितनी भी कॉमेडी हुई या फिर इस फिल्म की जो कहानी थी वो दर्शकों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि यह फिल्म हफ्ते दर हफ्ते चलती रही और 100 करोड़ से ज्यादा इसका कारोबार, इसका बिजनेस हो चुका है और कहीं ना कहीं लोग अभी भी इसे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आयुष्मान खुराना की दूसरी फिल्म की बात करें, जो कि एक कम बजट की फिल्म थी, उसका नाम था अंधाधुन, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म साबित हुई। उसमें उन्होंने तब्बू और राधिका आप्टे के साथ काम किया था, जो कि उस फिल्म की भी कहानी इतनी ज्यादा दिलचस्प थी कि लोगों ने उसे देखना पसंद किया और वो भी कम बजट वाली फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और काफी अच्छा बिजनेस करके चली गई। अगर आयुष्मान खुराना की अब अगली फिल्म की बात करें तो फिर से लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं इस फिल्म को देखने के लिए, जिसका नाम है ड्रीम गर्ल, जिसका पोस्टर ही इतना ज्यादा दिलचस्प है कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। अभी इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर आना बाकी है, लेकिन इतनी आशा जरूर है कि आयुष्मान खुराना ने अभी तक जितनी भी फिल्म्स को चुना है, जिन कहानियों पे काम किया है, वो एक अलग ही फिल्म थी, जो कि कम बजट की फिल्म हो या फिर एक ज्यादा बजट की फिल्म हो, इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है फिल्म की कहानी पर और एक्टर पर, जो कि आयुष्मान खुराना अपने आप में एक बहुत ही अच्छे दमदार कलाकार हैं, जो कि हर एक स्क्रिप्ट पर इतना ज्यादा अच्छा काम करते हैं कि दर्शक, उनके फैंस हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं उनकी फिल्म को देखने के लिए। तो देखा जाएगा ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना कैसा काम करते हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसके साथ साथ टूडेज की आपको जरूर डाउनलोड करें।